एक मशहूर मॉडल से एक बेहतरीन एक्ट्रेस तक का सफर तूबा सिद्दीकी ने कामयाबी से तय किया है। ड्रामा सीरियल्स टेलीफिल्म्स में इनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया है। काफी अरसे स्क्रीन से दूर रहने के बाद अब बहुत जल्द तूबा आपको बड़ी स्क्रीन पर भी नजर आती रहेंगी। तूबा आज कॉन्वर्सेशन में हमारी मेहमान है, आइए इनसे मिलते हैं। तूबा, मुझे जान से ना मारना और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ प्लीज कि ये क्या था? ओह माय गॉड, नहीं, ये मैं जिसने भी ये किया है, ये मेरीन है या जो भी है, जिसने भी होमवर्क किया है, देखें ये मेरी बचपन की गलती है। यासिर अख्तर का वीडियो माय लव, माय गॉड, आई थिंक इट्स नॉट मी, ये कोई और है, इट्स नॉट, तुम नहीं हो ना? नहीं, मैं नहीं, तुम्हारी बहन है, उसने एडवांटेज लिया है तुम्हारी पॉपुलैरिटी का, है ना, और कहा है कि मैं जरा ट्राई करती हूँ अगर मेरा भी करियर बनता है। व्हाट अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, बट इट्स वेरी क्यूट, यस, एंड रनिंग अराउंड सो स्वीटली, आई नो, वेरी वेरी, थैंक यू फॉर द स्टार्ट, है ना? तो ये हुआ कैसे? लेकिन आई मीन मॉडलिंग से शुरू किया था ना तुमने, तो फिर वीडियो में कैसे? लाइक लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, और ये इत्तेफाकन एक वीडियो आई थी, और उस वक्त मैं नई नई थी, तो मुझे कहा गया कि यासिर अख्तर उस वक्त स्टार थे मेरे ख्याल से, तो मुझे नहीं पता था, मुझे उनका गाना बहुत पसंद था, को पता नहीं सुखी था, एंड ही सेड दैट ही इज शूटिंग दिस सॉन्ग, एंड आई हैड नो आइडिया, सो आई रिमेंबर तारिक told me that why don't you go and do it, and I was like okay, are these good people, because I was just studying and I had no idea, bilkul clueless, aur tarik is tarik kabir, tarik kabir, yes, theek hai, unhone aapse kaha, so maine kaha acha main kar leti hu, gana jo hai wo romantic hai, ye bhi wo, so I remember I took my mother, my best friend, and we all went because it was Narayan ka gaan, the shoot, aur Islamabad mein hi thi, to Islamabad mein drove up, and when I went, and when obviously when I came back, and when I saw the shoot after, you know, 2-3 months, I was like उस वक्त मुझे इतना ज्यादा नहीं हुआ, अब जब ये when it comes out like this, ना, then I'm like, oh no, okay. But I think बहुत मजे की बात है कि ऐसा और इसकी वजह से तुम्हें लगता है कि जैसे ड्रामों में आना आसान था या नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, इसने हुआ, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, इसने कुछ नहीं दिया, ये बस आया और गया, ये बस आया गया। तो तुम्हें क्या लगता है किस चीज की वजह से जो है तुम्हें फिर एक मौका मिला? See again, I like to say this, Tariq was the one who introduced me, Tariq Amin, Islamabad se. Modeling, मैंने उधर से शुरू की, and then Sultana Aapa, and Rana Sheikh के साथ मेरा पहला सीरियल था. So that, really? Yes, that was long, long time ago, which I was Humayun and Sania's daughter. Wow. And then obviously 10 साल के बाद मैं हमायूं के साथ हीरोइन भी आ गई। Right, 10 तक, of course. अच्छा चलो, ये हम इंटरेस्टिंग जो सीरियस वाली बात है ना काम के हवाले से, वो हम थोड़ी देर बात करेंगे। सुना है कि तुम रैप बहुत अच्छा करती हो, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही हैं? ये बहुत ही डेंजरस इंफॉर्मेशन, तो ये होता है जब आपकी दोस्तियाँ हो जाए ना बहुत ज्यादा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स के साथ, तो फिर मसला हो जाता है। डायरेक्टर साहब आए ना, हाँ, बस बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, तो प्लीज कुछ हमें रैप करके सुनाओ ना। यू सीरियस? आई एक्चुअली नीड अ टाइम, मैं तो गला भी बड़ा खराब हुआ हुआ है, थोड़ा सा यार, रियली सा कुछ तो कर लो, आई कांट बिलीव यू आर गोना मेक मी डू दिस, आते साथ ही रैप करा रही हो, प्लीज ना, अच्छा, इट विल ब्रेक द आइस। I used to rap when I was a kid with my brother, because we used to listen to these black songs. So ek humne gana ratta hua tha, Gangster's Paradise, me and my brother. So we used to do it, and it was as I walked through the valley of the shadow of death, I took a look at my life and realized not much left, because I've been rising and laughing so long that even my mama said that my mind is gone. So एक और मजे की चीज सुना है कि तुम अकेले सोते हुए डरती हो। हाँ, मेरा एक खौफ है, एक खौफ है, इनफैक्ट ये भी इसीलिए लोगों को पता चल गया, क्योंकि अभी रिसेंटली व्हेन वी वर शूटिंग फॉर अ फिल्म और ऑल दिस प्रमोशंस हैपेंड, सो मी, सनम, हरीम, मेरीन, वी वर ऑल टुगेदर,
तो अब हम साथ साथ होते थे तो रात को मैं कमरे में जाऊँ होटल में तो आई एम लाइक अच्छा सनम आ जाओ यार थोड़ी देर के लिए, हरीम आ जाओ थोड़ी देर के लिए. मतलब क्या मसला है? उसने यार मैं अकेले सोते हुए मुझे जरा ना प्रॉब्लम है. उसने क्या मतलब यू आर अ ग्रोन वुमन विद किड्स ऑफ कोर्स नाउ. सो आई एम लाइक हाँ बट मैं जरा घबराती हूँ, वो बचपन से मेरा एक मसला है तो मैं किसी ना किसी को अपने साथ ना के साथ वाले बिस्तर पे सो जाओ यार कोई बात नहीं प्लीज यार. सो यस सो आई डिड दैट विद देम. अच्छा तुम्हें फील होता है कि वैसे बच्चों के बाद आसानी होगी? बिकॉज आई एम एग्जैक्टली द सेम. मैं जिंदगी में कभी एक तो रात से डर लगता है और कभी वो नहीं था कि कोई चोर आ जाएगा नहीं, या नहीं, कुछ नहीं, जिन जिन भूत जिन भूत सिर्फ जिन भूत टेबल के नीचे या कोई कैबिनेट में कहीं कुछ टक या टुक हो गई तो दैट्स द होल नाइट गॉन. दो आई लव हॉरर फिल्म्स, आई लव वाचिंग हॉरर फिल्म्स, मगर फिर उसके बाद मेरी तो शायद देखना छोड़ दो तो बेहतर होगा है ना. अच्छा अब हम एक सेगमेंट करेंगे जो बहुत ही मजे का है. आपने तो मुझे ऐसे पकड़ा है ना, है ना वैसे करा लिया या एंजॉय आ रहा है, वीडियो एंजॉय आ रहा है ना एंजॉय. अच्छा अब ये सेगमेंट बहुत मजे का है. मैं आपको एक सवाल आपकी तरफ फेंकूंगी और आपने बिना सोचे समझे उसका जवाब देना है. इट हैज टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस. ठीक है ज्यादा सोचना नहीं यार प्लीज क्योंकि फिर इट शुड बी फन. ठीक है ओके. अच्छा रेट करें ऑर्डर में एक्टिंग एबिलिटी के हवाले से. ठीक है मेल एक्टर्स के मैं कुछ नाम लूंगी आपको याद रखना है कौन से नाम है और कौन सबसे अच्छा है वो पहला फिर दूसरा फिर तीसरा. ठीक है हमजा अली अब्बासी, जाहिद अहमद, बिलाल अशरफ. जाहिद अहमद, हमजा अली अब्बासी एंड बिलाल. ठीक है आयशा खान, आयजा खान, माया अली. एक्ट्रेस के हवाले से आयशा खान, आयजा एंड माया. डन ओके. अपने बारे में कौन सा रूमर है जो सबसे जबरदस्त रूमर था? सबसे वियर्ड रूमर के जब मेरी शादी नहीं हुई भी थी तो मेरी किसी शेख से शादी हो गई और मैं चली गई कहीं. ओह अच्छा अच्छा हाँ, वो ऐसा रूमर. चलो इंटरेस्टिंग सा है वैसे कि चलो शेख ही मिला. वर्स्ट पिकअप लाइन? आई थिंक बहुत फ्लैटर करने के बाद ही टुक द नेम रॉन्ग एंड सेड नहीं ही टुक द नेम रॉन्ग एंड सेड आप वही है ना. एंड हमने एक जी तो क्या नाम लिया उसने मुझे अब याद नहीं है. हम रिसेंटली बल्कि बहुत फनी एक किस्सा हुआ. हम लोग न्यूयॉर्क में थे और हम लोग सारे प्रीमियर के बाद हम लोग खड़े हुए थे एंड एवरीबॉडी वाज स्टैंडिंग देयर एंड टेकिंग पिक्चर्स. सारे आके के ओ प्लीज प्लीज दूबा पिक्चर ये उठा. सो दिस गाय कम्स एंड सेज के मैम प्लीज एक पिक्चर. हम लोग जी जी आइए. उमायमा मलिक. And I'm like, जी ठीक है सही है अब क्या कह सकते हैं. बहुत ही बुरा होता है वैसे ही होता है तो लेकिन हाँ. अच्छा अब एक लफ्ज आपने कहना है इन रिएक्शन टू व्हाटएवर आई एम आस्किंग. ओके स्पॉन्टेनियस टाइम नहीं लगाना. तुम टाइम लगा रही हो थोड़ा सा. ओके जरा स्पीड बढ़ाओ. ओके हाँ तो रिएक्ट इन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. मैरिज. कंफर्टेबल. आइटम नंबर्स. कुड डू. मदरहुड. Amazing. Modeling. Past. Bollywood. Interesting. Hollywood. Goals. Nice. Okay. अगर ये लोग इंडस्ट्री में नहीं होते तो ये लोग फिर क्या कर रहे होते अपनी जिंदगी में? ठीक है सो इफ दे वर नॉट इन द इंडस्ट्री व्हाट वुड द फॉलोइंग पीपल बी डूइंग? अली काजमी. डांसर. सनम सईद. टीचर. रुबीना अशरफ. पॉलिटिशियन. अदील हुसैन. आरजे. बहरो सब्जवारी. उर्दू टीचर. सही है वैसे उर्दू बहुत ही अच्छी उनकी. अच्छा ट्रू या फॉल्स? ओके आई हैव अ क्रश ऑन द चाय वाला. फॉल्स. मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंची हूं. ट्रू. I am not obsessed with posting on social media. True. मैं इस मुल्क की सबसे जबरदस्त मॉडल हूँ. True. I love working out. False. You don't work out? No. I can't take this anymore. All of you women have come here और तुम सब ने ये कहा है कि हम exercise नहीं करते. तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है यार? Oof. अच्छा. I would love to be a vegetarian. False. Mm-hmm. I love meat. I know. I would sell any product for $50 million. $50 million? True. True. I love Saddam more than Harim. Oh. Mm-hmm. Mm-hmm.
it's very difficult. It's very difficult. Maybe true like, or false are your two okay. options. True. I love Sana more than Harim. True. Okay, there you go, Harim. It's out there now. No. There you go. I'm sorry. I love Harim as well, but yes. it's a tough one. I understand. Mooche. Mooche. Namaan Ijaz. सुना है अगेन कि आपने बहुत ही कुछ सुना बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में और बहुत ही खौफनाक ही चीजें सुन रही हूँ मुझे लग रहा है जो और ये अगला सवाल तुम्हें मानना ही नहीं चाहती हालांकि मैंने तुम्हें देखा हुआ है इसलिए मानना पड़ेगा जंक फूड तोबा बर्गर्स फ्राइज कचरा और ये सच बात बस कर दो यार पराठे भी हैं बिरयानियां भी हैं मैं आई एम अ फूडी आई एम एन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आई एम टच वुड ब्लेस्ड थैंक गॉड और शूट पे भी मुझे याद है कि अक्सर यही होता था कि कोई ना कोई सब बेचारे सबको डांटे पड़ रही होती थी कि तुम नहीं खा सकती तुम नहीं खा सकती अच्छा तुम खा लो ठीक है तुम्हें कोई मसला नहीं है तुम ऐसी ही हो तुम खा लो बाकी जरा सैलड्स पत्ते शत्ते खाएं चलें ओह दे वुड हैव रियली लव्ड यू हां ओह माय गॉड एक और चीज क्योंकि तुमने कहा कि हस्बैंड के साथ You have a great relationship and obviously अगर वो कराची भी वापस आ गए तुम्हारी वजह से कितना अहम होता है to have a successful career खास तौर पे entertainment में because होती हो public eye में एक तरह से to have a successful career successful life how important is it that your husband is supportive yes I'm very lucky and blessed that he because when I met him मैंने दो तीन चीजें बड़ी clearly उनको बोल दी थी कि My career is my career. You have your career. My friends are my friends. Yeah. You have your friends. Yeah. And my family. So three things. And I was like, nah hi main, I'm gonna bother you in that. And neither would you. Same. So if you have that balance, I think life would be great. Yeah. And our life is great that way. And he understands that. So mere liye ye bahut badi baat hai. कि he actually stood by it. ये है यार वरना लोग उस वक्त तो हर चीज पे मान लेते हैं ना हां फिर शादी के बाद तो हां सो ही इज वेरी सपोर्टिव लवली इज वेरी लकी अच्छा तो फिर और क्या करती हो आई मीन वो तो पता है टीवी पे लोग देख रहे हैं कि मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह लेकिन व्हाट डू यू डू डे टू डे लाइक कोई और शौक है तुम्हें सुबह 7 बजे आई वेक अप एंड वेक माय किड्स अप स्कूल Yeah. उनको तैयार कराना उनको ये करना उनको वो करना फिर दो तीन घंटे चिल रिलैक्स घर कितना अच्छा टाइम होता है ना वो सुबह के दो तीन घंटे बहुत सी अम्माएं कहती हैं हम दोबारा सो जाते हैं मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं सो सकती आई लाइक दैट ओन टाइम मुझे अच्छा लगता है आई वॉच टीवी आई वॉच द न्यूज आई लाइक knowing what's happening in the world political and all of that और उसके बाद फिर बच्चे वापस तो जिस दिन मैं काम नहीं कर रही होती वो बच्चों वाला दिन होता है पूरा सो वो डे टू डे लाइफ इज दिस एंड देन शाम में इफ आई वांट टू मीट माय फ्रेंड्स या इफ आई वांट टू गो आउट फॉर डिनर माय हस्बैंड इज अ ग्रेट कुक तो मुझे खाने की भी परेशानी नहीं है सो नहीं यार ही इज अ ग्रेट कुक तो मुझे कोई परेशानी इस तरह नहीं होती सो I was like, चलो तुम बना लो कुछ खाने को यार तुम इतना अच्छा बनाते हो जानू हाँ सही है वो जबरदस्त है अच्छा अब हम एक बहुत ही मजे का गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है गेसिंग गेम ओके तुम्हें 6 कार्ड्स मिलेंगे मुझे 6 कार्ड्स मिलेंगे मैं तुम्हारे कार्ड्स नहीं देख सकती तुम मेरे कार्ड्स नहीं देख सकती और वो कार्ड फिर जो है ना यूं करके रखना होगा यहाँ पे ठीक है और तुम्हें 5 क्लूज मिलेंगे ठीक है एज इन तुम्हें 5 क्लूज मुझे देने होंगे और मुझे गेस करना होगा कि मेरे सर पे क्या लिखा हुआ है सेम गोज फॉर यू कि तुम ये करोगी तो फिर मुझे सिर्फ 5 क्लूज मिलेंगे तुम्हें बताने के लिए कि वो क्या है और मैं सोची हूँ हम कितने फ्लैटरिंग लग रहे हैं व्हाइट कार्ड्स ऑन हेड ओके चलो सीधा है तुमने मुझे बता मैंने गेस करना है कौन है आप ठेले से खा सकते हैं फ्रूट नहीं चाट करीब है रेडी पे मिलता है दही बल्ले करीब मिक्स चाट दही बल्ले का दूसरा वर्ड दही भल्ले नहीं पानी पूरी गोलगप्पे पानी पूरी ओके डन डन चलो रेडी ओके क्या है तेरी गोली ये आसान था वैसे ओके ये सीधा है कैट का ऑपोजिट किटन का ऑपोजिट
कैट नहीं, किटन का ऑपोजिट कैट कैसे होता है? क्या होगा? पपी? यस। अरे तो किटन का दूसरा जानवर ऑपोजिट होगा ना, किटन का ऑपोजिट होगा रोना, कैट। अच्छा हो गया, पपी हो गया, चलो। ओके मूछे, मूछे नमान जाज। अब ये तो मेरा सीरियल है, बट आपने देखा है या नहीं देखा? पता नहीं, probably not, माफ कर दो। मानूर बलोच। कितने अल्फाज हैं इसमें? दो। नहीं देखा ना, तो लव्स डोंट शेड करो ना। अच्छा, वो नहीं, मानूर बलोच से नहीं हेल्प मिलेगी मुझे। हाँ, लाइट को उर्दू में क्या कहते हैं? रोशनी। नहीं, एक और लव्स। बत्ती। नहीं, लाइट को रोशनी, जब अल्लाह ताला की बात करते हैं। नूर। नूर फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड। बहुत सारी औरतें अपने नाम के साथ लगाती हैं ये सेकंड वर्ड एज इन देयर नेम। नूर फातिमा। नहीं, कैसे कह सकते हैं? नूर बिनते। पुराने जमाने में बहुत यूज होता था कि एक नाम है और उसके साथ एक और नाम लगा दिया औरतों का। खातून। नहीं, साहिबा। नहीं, नूर नहीं हुआ ये। नहीं, चलो बता दो क्या नूर है? नूर बानो। ओ भाई हाँ, भाई पुराने जमाने हाँ, के बानो का मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत सारे लोग। चलो अब ओए होए, ओके मैं थी उसमें। अच्छा, और हुमायूं सईद था उसमें। हाँ, ये बहुत ये सीरियल्स वाली बात है। और सनम बलोच भी थी उसमें। तीन हो गए। हाँ वही हो गया ना, जिसमें सनम नेगेटिव, मेरी ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सनम नेगेटिव काम कर रही हाँ, थी। और हाँ, आप हाँ, हाँ, वही हो रहा है ना, वही हो रहा है। हाँ, अच्छा रास्ता दा, दो वर्ड्स हैं। चलते दो 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 रास्ते, दो दो पल, दो राहा चाहिए। सही, 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 चल, हाँ, ठीक है, ओके सही, हाँ, ओके। मैं हर वक्त फैसल कुरैशी के साथ होता हूँ। इजाज़ असलम। यस, ओके। हाँ हाँ, ओ इंटेंस। बेटा, बेटा तुम ठीक हो ना? आई एम सो वरीड अबाउट यू, आई एम वंडरिंग इफ यू आर ओके। बेटा तुम आज फिर काम पे जा रही हो? ये कोई एक्ट्रेस है? समीना भी ज्यादा क्लोज, बट अतीका ओडो अम्मा वाला रोल करती है। अम्मा वाला रोल करती है। बेटा इन दोनों के अलावा कौन करती हैं? वो हम सफर था, शमी मलाल, मगर फिर भी दूसरी अम्मा कौन थी? मैंने तो ड्रामे पूरे पूरे देखे नहीं है इसलिए। वो जो बयात, ये आ, ओके अब मेरी बारी है। यस, ओके सीधा है। ओके चिमटा पकड़ा दे और मैं गा रहा हूँ। हाँ हाँ यार, जुगनू, जुगनी, जुगनी। हाँ, आरिफ लोहार। हाँ ठीक है, डन। ओफ, ओके एक्टर है। एक मिनट तुबत, तुम्हारे पास बेस होगा? मेरा बेस मुझे पता है सिर्फ डेढ़ इंच पे पहुंच गया है, लेकिन लड़का है। हाँ, इमरान अब्बास। डन। ओह नो, वी रियली लव यू, बट हाँ वी ओनली हैव 5 क्वेश्चंस। ओके अब तुम्हारा है ना। अच्छा, मेरा लास्ट। अच्छा चलो, सिंगर मैंने रियलाइज किया कि मैं ओवर ही कर रही हूँ वो नागिन की तरफ जब तुम गई। सॉरी, मैं नो बिल्ली, मैं विशयात। बिल्ली बेस्ट समय से यार। नाइस, आई एम लाइकिंग। यस,
लंदन जब हम प्रीमियर पे गए हैं, सो मी सनम एंड हरीम वी वर रनिंग, वी रैन टू ज़ारा, वी ट्राइड पिकिंग अप जो जो हमें मिल सके साइज में या क्या क्या, और हमने वो चीजें उठाई, जैकेट उठाई, बूट्स उठाए, जो जो उससे जल्दी जल्दी, हाँ ये तो ठीक है, वी आई थॉट दैट वी वर लाइक यू नो सेवेंथ ग्रेड गर्ल्स. सुना है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद जब बार बार लोग तुम्हें याद दिलाते हैं कि आप तो एक मॉडल टर्न्ड एक्टर हैं. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि आई मीन हो गया ना उस टाइम, काफी टाइम गुजर गया. एक्चुअली नाउ आई स्टार्ट गेटिंग अननॉयड विद इट बिकॉज़ आई थिंक एवरीवेयर आई गो. अच्छा तो बट सुना है कि आप मॉडल होती थी और अब आप एक्टिंग करती हैं, तो कैसा लगा आपको मॉडल से एक्टर? आई गेट अननॉयड विद इट नाउ बिकॉज़ आई थिंक मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए. मैंने ड्रामे भी बहुत सारे किए एंड आई थिंक मैंने आई प्रूव्ड माय सेल्फ दैट आई कैन एक्ट. So yes. if I can then I hope लोगों को भी अपनी वो एक्सचेंज कर लेनी चाहिए कि बस कर दो यार क्या मॉडल मॉडल मॉडल. सो एवरीवेयर आई गो तो वो मुझसे मॉडलिंग रिलेटेड सवाल बहुत करते हैं जिससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है. बाकियों से तो आप नॉर्मल एक्टिंग वाले सवाल पूछे, why me with model and fashion? I do obviously I'm still I started with that but now I just wanna just move on from that. So वो अब एक चीज होती है कि कर लिया, I'm done with that. सही है. एक सवाल मैं तुमसे करना चाहूंगी, मैंने हरीम से भी पूछा था कि अमूमन जब भी सुना जाता है एक्ट्रेसेस के दरमियान जरा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है, या एक जेलसी का फैक्टर रहता है, या एक कंपेटिटिवनेस का एक फैक्टर रहता है, लेकिन सुना है कि दोबारा फिर से पे तीनों खवातीन गॉट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर. यस यस इट वाज ग्रेट. तो ऑल्सो ये एक मिसकंसेप्शन क्यों होता है लोगों में, क्योंकि आई ऑल्सो नो कि जाती जिंदगी में भी यू हैव योर you know you have your Maria Iram no we have you our, your we Sonia have bond, like yes. you know you have your I love that girl bond obviously when you were friends and and especially again hamari team itne mazey ki thi jab humne kaam kiya aur hame nahi pata tha ki hum itne jellen ho jayenge aur easy because all three of us all six of us were very easy going but girls kyunki ikatthe reh rahi thi to hamari bonding bahut mazey ki ho gayi. humne sara work enjoy hasna sugar ye wo and we got along we had same ideas about life and things. So we just gelled in together that way. But इतनी हो गई कि अब ऐसा लग रहा था कि हम सारे ना कोई बहन भाई लगना शुरू हो गए, छह के छह के. तो देखा बहुत हम लोग promotions में साथ, premieres पे साथ. It was so funny. London जब हम premiere पे गए हैं, तो we had to go to Pakistan Fashion Week. ये भी एक बड़ा funny वाक्य है. एंड हमारे पास टाइम नहीं था होटल जाने का, कुछ हम शॉपिंग कर रहे थे और मेरीन भी हमारे साथ उस दिन फंसी हुई थी, जबकि उसने बिल्कुल नहीं फंसा था, मगर गाड़ी एक थी तो हम सारे उससे. तो मेरीन को गुस्सा चढ़ा था कि तुम लोगों ने इतना लेट कर दिया, शॉपिंग करनी है और हमें वहाँ पहुँचना है, अभी होटल जाएंगे, वहाँ चेंज करोगे, घंटे लगाओगे मेकअप करने में, फिर वहाँ से निकलेंगे तो तुम लोग क्या करोगे? सो लाइक वी वर एट ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. सो हमने कहा मेरीन, मेरा ब्राइट आइडिया आया और मैंने कहा कि मेरीन एक काम करते, हमारे पास कुछ नहीं था उस वक्त, चीजें वीजे नथिंग. सो हमने कहा एक काम करते हैं, हमें 45 मिनट्स दो क्योंकि हमें वापस सिटी में ही आना है. सो यू स्टे इन द कार एंड स्लीप और टेक अ नैप. हम यहाँ से उतर के तीनों जाएंगे, ज़ारा सामने है, उधर जाएंगे, कपड़े उठाएंगे, उधर ही पहनेंगे और मेकअप के लिए हम सेल्फ्रेजेस के काउंटर में जाके मेकअप करेंगे एंड वी विल गो. एंड वी डिड दैट एंड वी वर रनिंग बिकॉज वी ओनली हैड 45 मिनट्स. सो मी सनम एंड हरीम वी वर रनिंग, वी रैन टू ज़ारा, वी ट्राइड पिकिंग अप जो जो हमें मिल सके साइज में या क्या क्या, और हमने वो चीजें उठाई, जैकेट उठाई, बूट्स उठाए, जो जो उससे जल्दी जल्दी, हाँ ये तो ठीक है, वी आई थॉट दैट वी वर लाइक यू नो सेवेंथ ग्रेड गर्ल्स. हमें लग रहा था कि हम बचपन की कोई लड़की बच्चियां हैं जो ऐसी हरकतें करती है. जल्दी जल्दी कपड़े उठाए हमने, पहने, उसके बाद मेकअप नहीं, बाल नहीं, हमने अब क्या करें, सेल्फ्रिजेस में घुसे, भागते भागते भाग रहे हैं ना थैलों के साथ कपड़े पहन के. सो वी वेंट टू सेल्फ्रिजेस, काउंटर पे गए, मेकअप, कोई एक लिपस्टिक लगा रहा है, कोई खड़ा होकर मस्कारा लगा रहा है, मैं और सनम बेस कर रहे हैं वहीं पे खड़े खड़े, और साथ साथ फैंस भी आ रहे हैं और कह रहे सर मैम एक सेल्फी एक सेल्फी, हमने हाँ हाँ जल्दी और मेकअप भी हो रहा है. एंड देन इन 45 मिनट्स वी गॉट रेडी, भागते भागते ब्लशर लगा रहे हो ये वो ये वो, केम आउट सैट इन द कार. तो मेरी ने दरवाजा खोला, भाई व्हाट द हेल हैपेंड टू यू, गई तुम किस तरह की और ये क्या हुआ? एंड देन यू टेक्ड अप ड्रेस्ड अप, तीनों गाड़ी बैठे, वहां से हम वेंट टू फैशन वीक एंड इट वाज अमेजिंग एंड वी लाफ्ड अबाउट इट सो मच. आई वाज लाइक नो अदर एक्ट्रेसेस वुड एवर डू समथिंग द व्हाट वी डिड टुडे, वेरी इम्प्रेसिव. सो यस, लंदन वाज अ लॉट ऑफ फन, एज इन फन बिकॉज़ इट वाज जस्ट द गर्ल्स, लड़के आए नहीं थे प्रीमियर पे,
तो हमने काफ़ी शुगर लगाए, हमें वियर्ड किस्म, वियर्ड तो नहीं खैर, स्वीट मेकअप आर्टिस्ट भी मिले वहाँ पे, एंड मी एंड सनम लव टू इमिटेट दीस ब्रिटिश एक्सेंट्स. हां प्लीज इमिटेट करके सनम, रियली फनी. आई विश सनम वाज हियर सो मी एंड हर कैन डू इट, बट दे वी हैड दीस टू मेकअप रियली स्वीट वुमेन एंड दे केम डाउन फ्रॉम मैनचेस्टर, सो मैनचेस्टरियन एक्सेंट्स आर वेरी लाइक, सो दे हैव टू जंप इन पंजाबी एंड ऑल दैट, सो इट वाज हिलेरियस बिकॉज एक आई और हमारे ऊपर ही चढ़ गई ना, आओ Oh, look at that. It's so nice. Oh my God. Oh my God. Oh my God. That's some side. Oh my God. That's so nice. And we can't to see. Can you go pyari lag di ne ne? Oh, it's so cute. The way they were like, and then jumping and doing a mascara. I was like, okay, come on. Look up, darling. Look up. I was like, oh, okay. Right. Right. And me and Sanam were like, at the corner. I was like, oh my God. What's going on here? What's happening? So it was really, really yeah. funny. Yeah. So that was one of the Nice. fun highlights. I am liking. अच्छा एक्टिंग के अलावा कभी शौक हुआ है कि प्रोड्यूस करो या डायरेक्ट भी करो? डायरेक्शन का शौक है मुझे बहुत, क्योंकि प्रोडक्शन में बिल्कुल I'm zero at it. मुझसे अपनी चीजें नहीं संभाली जाती, तो I'm very bad at it. I want someone to do it for me. मुझे बड़ा भयानक काम लगता है प्रोडक्शन का भाई. And you need a firm person जो कि जिसका जरा स्ट्रिक्ट किस्म का बंदा हो, जिसको पता हो, क्योंकि पैसे मेरे हाथ में नहीं रहते. नहीं रहते? नहीं. मेरा भी यही मसला है. बहुत नहीं सकता. और जवाब दे दे के थक गए कि कहाँ खर्च हो गए सारे पैसे. अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है तुम्हारा? I'm still waiting for it. नहीं, लेकिन if you had a choice, if what would you love to do? I would do a period film. I would love to play a character, a period. कौन सा period? Could be anything. Mughals भी हो सकते हैं. Could be anything. 1940s, 30s, 20s, anything. Yeah. That would be interesting. Yeah. I like costumes and I like that get up. Yeah, get up. Different-y. I think you come. It's fun for an actor. I think it's so much fun when you have so many props and you're in an act, yeah. you know, in that yeah. costume you're and right. get up, and you just automatically something comes in inside. You start feeling yes. it. That's true. So, you're right. हाँ, तो मैं तुम्हें दिखाना ही चाहती थी कि अगर तुम पूरी रात अगर एसी की ठंडी हवाओं में सोती रहोगी तो फिर यही होगा ना बिल. पैसे तो तुम्हारे भाई को ही देने पड़ रहे हैं ना. हाय बाजी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया. देखे तो सही, उस दिन रात को इतनी गर्मी लग रही थी, अब देखे और ये तो सारा इतने 30,000. अच्छा अब हम करेंगे एक सेगमेंट जो इम्प्रोव है. ओके ऑलराइट राइट ओके. अच्छा अब नंद और भाभी जो हैं बिजली के बिल के ऊपर लड़ रही हैं. ओके तो बेसिकली हमें ये करना है बिल्कुल ही देसी स्टाइल में पहला. ठीक है तो चलें, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है और आप बिजली के बिल पे. हाँ हल्ला बाजी, भाई देखे क्या बिल क्या है ये. हाँ तो मैं तुम्हें दिखाना ही चाहती थी कि अगर तुम पूरी रात अगर एसी की ठंडी हवाओं में सोती रहोगी तो फिर यही होगा ना बिल. पैसे तो तुम्हारे भाई को ही देने पड़ रहे हैं ना. हाय बाजी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया. देखे तो सही, उस दिन रात को इतनी गर्मी लग रही थी, अब देखे और ये तो सारा इतने 30,000. हाय अम्मी को मालूम हुआ तो क्या होगा, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है. ठहरो ठहरो ठहरो, सोचते हैं कुछ, क्योंकि तुम्हें पता है जब तुमने एसी चलाया था, याद है मैं भी तो तुम्हारे कमरे में आके सो रही थी चुनचू के साथ. यही होता है, अपने एसी का बंद कर देती और हमारे कमरे में आके सो जाती है, फिर लोगों को कहती हैं कि हमारी वजह से बिल आया ज्यादा. नहीं तो फिर सोचो ना, कुछ प्लान बनाते हैं फिर बहुत मजे का. कहाँ से 30,000 रुपए कहाँ से आएंगे? क्या करें निकाल लेते हैं अम्मी की तिजोरी में से निकाल. पागल हो गई हो, चोरियां करेंगे अब हम. उनको क्या पता, हम थोड़ी बताएंगे उनको. तुम हर वक्त चोरी का क्यों सोचती हो? कैसी बातें कर रही है, मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं आप. हाँ तो मेरा भी तो हार गायब हो गया था. अच्छा चलो ओके, अब वी आर गोइंग टू फाइट ओवर द बिजली का बिल. अगेन बिजली का बिल. वी आर नंद एंड भाभी एंड वी आर वेरी मेरीन स्टाइल. ओके सो अंडर ओ गॉड, फाइट ओवर अ बिजली बिल मेरीन स्टाइल. चलें, ये शी वुड नेवर लेट यू पुट योर फिंगर लाइक दैट ऑन द फोरहेड, यू नो दैट ना. हां ओके, गेट इनटू इट. ये बिल देखा आपने? कौन सा बिल? बिजली का बिल. तो बिजली का बिल देखना मेरा काम तो नहीं है. किसका काम है फिर? पैसे आपका काम है, बिजली तो आप ही उड़ाती हैं सबसे ज्यादा घर में. लगता है आपकी सोच है. तो एसी कौन चलाता है हर रात को पूरे पूरे? भाभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपसे बहस करूं, प्लीज. अब इसका बिल आप देंगी या अम्मी से कहें? नहीं तो ऑब्वियसली फिर मुझे ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप तो काम भी नहीं करती. जिस घर में हर वक्त ताने पड़ते रहते हैं. सीरियसली
तुम इंटरव्यू पे नहीं जा रही थी कल, क्या हुआ? सोती रह गई? कमरा ज्यादा ठंडा होगा, उठा नहीं गया होगा। रोज रोज के तानों से तंग आ गई हूँ मैं। I really need some space from you. Okay, I have a great idea. Start working and you'll get your space. Right. है ना? Yeah. Okay. Done. अच्छा, सब्जी वाले से लड़ाई हो रही है टिंडों के पैसों के ऊपर। फिर नान भाभी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा वैसे। बस तुम, मैं सब्जी वाली हूँ और तुम लड़ रही हो मुझसे टिंडों की कीमत पे। भैया ये जरा दिखाना, टिंडे कितने, किस तरह है ये? ये 450 रुपए किलो है बाजी। 450 रुपए किलो? किस दुनिया में रह रहे हैं आप? बाजी टिंडे पाकिस्तान में नहीं उग रहे, हम दुबई से मंगवा रहे हैं टिंडे। क्यों भाई, टिंडे क्यों नहीं उग रहे पाकिस्तान में? क्योंकि यहाँ पे सब कहते हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज में रह रहे के जो है ना वो टिंडे ज्यादा मजेदार हो जाते हैं। कर देते हैं आप लोग भाई, अभी वहां से तो मिल रहे थे 200 रुपए के तो दे रहे हैं वो वहाँ पे। तो फिर आप वहाँ से जाके ले लें बाजी, यहाँ से क्यों खरीद रही है? फिर सड़े हुए टिंडे बेच रहा है वो, आप मुझसे कह रही है कि 200 रुपए के वो अच्छे बेच रहे हैं। आप लोगों ने बेचना नहीं है क्या? अजीब पाकिस्तानियों को खाया हुआ आपने यहाँ पे भाई। तो सड़क पे बैठे हुए बाजी तो बेचने ही बैठे हुए ना, यहाँ मुस्कुराने तो नहीं बैठे हुए। अच्छा चले सही से कीमत लगाएं इसकी, क्या कर रहे हैं आप? 390 रुपए लगा दूंगा। नहीं 390 नहीं, सही से करें। 390 पे लेना है तो ले लें, वरना 350 करें बस, बात हो गया। एक नाम, अच्छा ना आपकी बात ना मेरी बात, हाँ ठीक है सही है। तो 375 दे दें। नहीं नहीं 350 दे दें भाई, क्या हो गया अभी इतनी गर्मी भी लग रही है, जल्दी करें। अच्छा कितने किलो बांधूं? दो। दो किलो पे आप मेरे ऊपर मुझसे लड़ रही है? चले कोई बात नहीं, अभी और भी 3-4 किलो तो लेना, अगर 50 रुपए कम कर रहे हैं तो आ रहे हैं ले लेंगे आपसे। चले कौन से और लोग आ रहे हैं आजकल? आ रही हूँ आपसे लेने। चले ओके। किस किस्म के मुख्तलिफ और अजीब मुश्किल पर्सनालिटीज मिलती हैं सेट्स पे? सो कैन यू लाइक कैन वी समटाइम्स आई बुरे में ज्यादा मजा आता है, लेकिन चलो अच्छों की भी बात कर लेंगे। लेकिन हां आई रियली गेट शॉक्ड लुकिंग एट पीपल। हां आई एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। ये वो आई नो आई एम अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन, मैं बहुत इजी हूँ सेट पे, हालांकि मेरी शक्ल से शायद नहीं लगता होगा लोग, बहुत से लोग सोचते हैं बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम नहीं होंगी, नखरे या ये बात नहीं है वो, आई एम नॉट, आई एम वेरी इजी। बट बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि बस खाम खाम एवरी एक बस कुछ करना है। वो एक चीज तुमने नोट की है और मुझे लगता है, और एंड आई एम ग्लैड कि हमें एक मौका मिल रहा है इसको डिस्कस करने का, और वो ये है कि, और मैं खासतौर पे यंग एक्ट्रेसेस को ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब आप स्पॉट बॉयज को डांटती हैं और मेकअप आर्टिस्ट पे चीखती हैं और बदतमीजी करती हैं तो आपके बैकग्राउंड पे फिर बहुत शक होने लगता है लोगों को। एंड आई थिंक कोई कहता नहीं है कि उनको कोई कुछ कहता नहीं है या बर्दाश्त करता है, डोंट नो व्हाई, लेकिन ये बार बार हम थोड़े सीनियर एक्टर्स इस पे बात करते हैं। आई थिंक समबडी शुड इन्फॉर्म देम कि I mean, it's just wrong. Bad attitude. It's wrong. It's a no-no. हर बंदा अपने काम कर रहा है यहाँ पे। कोई आप किसी से ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है आपके। Everybody is doing their job. They're getting paid. You're getting paid. बिल्कुल। So इसमें कोई वो हमें नहीं होना चाहिए। I think I guess कि अगर आपने करना ही है तो फिर अगर आपको लगता है कि जो आपके बराबर है फिर आप उनसे करें ताकि आपको आगे से जवाब मिलेगा, मगर वो फिर होता नहीं है, फिर वो उन्हीं बेचारों पे गुजरती है जिन जो जवाब नहीं दे रहे, ये आपकी इज्जत बढ़ा रहे, वरना मेरे ख्याल से आपको जवाब फिर मिलना चाहिए। खाम खां का बैड एटीट्यूड इज जस्ट बैड, आई मीन क्यों आपने किसी के साथ बदतमीजी करनी है? क्यों क्यों? और उसको अगर फ्लिप कर लें, कुछ लोग हैं जो यार ये भी बहुत होता है, और ये भी नहीं कि कम होता है, ये भी इक्वली होता है कि कुछ लोग हैं जिनकी एक इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है सेट पे, बहुत बहुत लोग यू नो एक्टर्स हैं या कैमरामैन हैं या डायरेक्टर्स हैं एंड आल्सो वेरी ऑफन प्रोडक्शन असिस्टेंट्स और स्पॉट बॉयज, जिनको देख के कितनी खुशी होती है कि यार यू नो इतना ख्याल रखते हैं कि लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। तो वो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हारे पास? बहुत ऐसे, मैं बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया लाइफ में, सो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड लाइक दैट कि अच्छे लोग मिले, उनके साथ अच्छा काम किया, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। सो मेरा एक बहुत बड़ी एक चीज है कि जितनी आप देंगे उतनी आप करेंगे, मिल जाएगी आपको। So I think that should be the motto. But Khaam Khaan ki ek wo, I like the positivity on set. So jitna positive rakhenge, wo scene bhi utna hi aap chill rahenge. Ek bande ki wajah se agar aake zara mahol disturb ho jata to sare phir aise ho jata ki ah kya matlab. Bilkul. Lekin sabse zyada kaam unhi ko mil raha hoga. Haan ye ab. Ye bhi ek interesting discussion hai. Lekin iske saath ab gappe to hum karte rahenge. ठीक है ना, और हम बातें भी करते रहेंगे, लेकिन आपके जाने का टाइम हो गया है, तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बाय बाय।